अच्छा हो जो उनके गावे के सहूर भाव के ले लो जो मेरे रास्ता पे देखलिया वो रास्ता पे चला बड़वार मान ले थे उनके कलम रिया चले ना बोले काहे पर हम कस हुआ मिला ले हो कलम यहाँ से लेके पूर्वांचल तक ऐसा कोनो जिला ना बचल है जहाँ तक भैया ना गल हो यहाँ सही बात है कार्यक्रम बहुत चला था लेकिन एक बात हम बताई थी सुबह भैया तो तोके हम बहुत पहले से मानी ला लेकिन एक बात बीच में हमके टोक दे लेना ले कि जोड़ी हमके भैया तब ऐसे छोड़ दे लेकिन आदत से हम मजबूर हैं अपने से कहा है भैया जब हम बोली था तो यो साथ है साथ है पंटो उन पकड़ा था हेलो बहुत बढ़िया बस बस एकदम छोड़ रहा हूँ हेलो आदत से तनी हम चाचा मजबूर ही अपने से तनी बड़े उम्र के लोग के देख लेता भैया कहिला अब पापा के उम्र के देख लेता चाचा काका बना लेगा इस संस्कार में हमरे यहाँ लेकिन बुरा ना लगे आपके भैया आज फिर हमें मंच से कहा थे बुरा ना लगे अगर बुरा लग गए तो आप एक बार खड़ा हो या तो कह दे कान पकड़ ले जिंदगी में कहो भैया ना कहो कलम बहुत दूर दूर तक गा ले हमारे 3 साल के गाय के 3-4 साल के हा हमके घमंड तनिको ना बा जोन टूटा फूटा सब दबा जोन भी कुछ हम गाई ला शायद ऐसा कोनो जिला ना बचल हो जहाँ पे हम गई ले लेकिन हमके कबो घमंड ना होला हर जिला में जा के आए हो देखे ना गए हमके घमंड ना बा लेकिन सूरज भैया एक बात हम बताई ला स्टार सुपर स्टार वही के कहल जाला जब पब्लिक डिमांड पे बुलावे हैदर उस्ताद के हम देख लेना ही ना कबो उनके साथे गौले हमारे पापा उनके गौले रह रहे साल भरे दुइयो क्या कर रहे हैं अब पेमेंट उनकर कितना रहे सुरेश भैया हाँ उनके बोलावे खातिर एक बार घोड़े के पसीना मुड़े चढ़त रहे एक एक आ जाना सुपर स्टार अजिया बहादुर अब उनके सम्राट कहा जाला हमारे रामदेव गुरु जी के नाम सुन ले हो बा बनारस की धरती पे उनका तो बात जिनका वो तो चल गए थे हमारे विजयलाल गुरु जी हम देखे सम्राट काल जाला अबे बैठे आज भी उनके बुलावे ले तो लोग सोच समझ के लंबी लंबी गिने के पड़ा था एक के सम्राट एक के स्टार एक सुपर स्टार कहा जाला हम हूँ रोज गावत ही आप हूँ रोज गावत होगा लेकिन अबे वो पद भी ना मिलेगा यही से बहुत बढ़ता ना ही घमंड ना करती हाथ जोड़ के निवेदन हाँ कबूतर घमंड ना करेंगे बार-बार हमने कई बातें बताओ थी अब बिराह हो चलते बा हम क्या ना समझ में कि बिराह का भाई हम वो राधा के बदला काना के बदला गोली तो हम बोला कहाँ से आगे गा देगा गोलन आगे से गोलन आप लोग बताइए अगर आगे से गलत हम मान ले कि हम गलत बोले थे बदला गोलन ना बिराह के जवाब के मतलब तब बोला कि उम्र आगे से गवर तब हम जानी बहुत ज्यादा ना बोलो काहे से कि बहुत ज्यादा बोले मैं अपने जवान बात कैसी कहना जा रहे बरसाने मारा ही पकड़ पकड़ के भूली सगर बकैसी जा कैसी कहना जा रहे बरसाने वाह ये है सही वो है दोहरावा तो कभी रहा ना है कहते हैं सूरज भैया और एक चीज कहें कहे हम सब गवैया के कहीं तक पोथी मत पलटा हमरे ही ना समझ में आमत बा फिर जो इतना बड़ा बड़ा गवैया हो गया हैदर उस्ताद मर गए जिया छोटी तो उनसे एक बार पूछ लेता है रामायण पढ़े रहे ना और तमाम ग्रंथ पढ़ लें वेद पुराण लिखा ना ही रहा कि बिना लिखे हो कब पढ़े रहे समय ना भैया ये वो बात है इनकर सवाल के जवाब दे बिरहा में एकदम गाई बिरहा लेके चला लीपा पोती ये बना कर अपन बिरहा गाई बहुत हुई के सवाल बहुत हुई के जवाब वो अपन सवाल ले अपन जवाब दे अच्छी ना मतलब है ना दे के बाप के हमारे जो नाम था वो है गाई आपके गाई के सब सब प्रणाम बाप बहुत बड़का गवैया बहुत छोटकी गवैया है ठीक है अब बात रही यूट्यूबर के कहाँ गए हो सूरज भैया वाला म्यूजिक कहे मारिया सब आता यारिया ना हाँ
यारिया ना कमाई होला बार के 5-500 करेंसी निकलत बा बुरा मत बनिया उनके साथ आई लोग अगर ना दे बताओ मऊ ये सब सब लागत पिछवा से लेके आवा ए थवा सही बोल ये तो करण के ऐसे यूट्यूबर के हम धन्यवाद हम बहुत दे थे धन्यवाद हम बहुत मिली तब तो हम धन्यवाद दे हमरो तो गाना से कमा तो बा बहुत बहुत धन्यवाद तो आप लोगन के कोनो बात ना मजाक करत है ना देव चले काहे कि पब्लिक जितना प्यार मिलेला रुपया पैसा के कोनो बात ना है ऐसा है ना ए भैया कुछ नहीं ना एकदम पुरान बजा के झटका में थे फिर रस के बिरा देते कम से कम लेके तनी हम पुरनकी में चलो थे फिर सीधा भी राह पे दे ना तो लोग कहिए ज्योति के नाइकी गवा थे पुरनकी नहीं आवे नहीं के धरती से प्रयागराज तीर्थराज की धरती से तीन गवैया भइलन अपन अपन छाप छोड़ देलन वही में स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरु जी एक लाइन बड़ा लहाय के गाँव है कैसे कुछ गौतू सब ऐसा
कौन गाँव है सुरेश भैया? काहे घूम गया हूँ मथुरा काशी अबई बतरासी मथुरा लहरी हो गए सन्यासी अबई बतरासी मथुरा ये का तू कहा था? अच्छा ये लहरी गुरुजी के बड़ी फेवरेट गीत रहा है। काहे सही ना पैपा रैली करेला बड़ा आ जाके बेचा फाफा मुंह में केला बहुत गढ़ेला बहुत गीत गो लेकिन एक लाइन दादा राम कैलाश गाँव टाइम कम पर बिरा दे के लोगन के बहुत उम्मीद बा। अब दादा राम कैलाश जब खड़ा हुए मंच पे गाय तो ना है लेकिन सुन ले है काय कुर्ता को वही टोंग पकड़ के कहानी सुनने वाले पर कहा भैया आप महान हुआ जमीन पे बैठने वाले बाबू जमींदार कहलाते हैं और चौकी पे बैठने वाले भैया चौकीदार कहलाते हैं। गद्दा पे बैठने वाले गद्दार कहलाते हैं। तो तू कहाँ बैठा हूँ दादा? कहा पहले के जमाना में मोबाइल के सिस्टम ना रहा तार चिट्ठी के जमाना रहा कोनो दुल्हन के दुल्हा परदेस दुल्हनिया चिट्ठी लिख लिख भेजा था मरद नहीं आवत बा तब दुल्हनिया एक दिन सवेरे में बर्तन मांजा था अब भोराली में कौवा बोली गया नंदिया का ए भौजी लागत बा याद भैया आवत है पहले के जमाना में अगर कौवा बोल जाए मोटरी बोल जाए जाने पैसा उन क्यों नया मेहमान आवत है दुल्हनिया झट पट उठी तैयार होकर जाए के अपन ओए गुलाबा में अंगुरी डाल के दुल्हन भेजा था। ये गुलाबा का होत है? हां गुलाबा भैया पहले के जमाना में जो दरवाजा लगे कुंडी लगा था दादा वही गुलाबा कहा था।